तो क्वेश्चन 14 है, ओ इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जी। तो ओ सेंटर आपको दिया हुआ, टेंजेंट एट एक्स एंड वाई, तो ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट है। इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, यहाँ पर गिवन एक्स टी वाई, एक्स टी वाई इज 80 डिग्री, एक्स ओ जी, एक्स ओ जी ये वाला जो एंगल है ये 140 डिग्री, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड एक्स वाई, जेड एक्स ते वाई ये वाला एंगल, ये यूं बड़ा वाला एंगल। पवे जी बताइए कैसे किया जाए। जी जी शाबाश शाबाश। तो एक्स टी वाई जो है वो आइसोसेलेस है, क्यों? अब यहाँ पर आपको रीज़न लिखना पड़ेगा, थ्योरम लिखनी पड़ेगी कि सर फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी इफ टू टेंजेंट्स आर बीइंग ड्रॉन टू द सर्कल दे आर इक्वल। ऐसे नहीं मुंह उठा के उसको बोल दिया कि भाई तुम इक्वल हो। जी भव्या जी आगे बोलिए। जी 80 हो गया ट्राइंगल एक्स टी वाई, 100 डिग्री बचा, 50-50 डिवाइड होगा, तो ये 50 है। जी एक्स शाबाश शाबाश। तो आप बोल रहे हैं कि सर ये कॉर्ड है, ये टेंजेंट है, यहाँ ये एंगल बन रहा है 50 इस सेगमेंट में, अपोजिट सेगमेंट ये है, तो कॉर्ड ने अपोजिट सेगमेंट में जो एंगल बनाया है वो एंगल बनाया है ये वाला। तो आप बता रहे हैं कि सर ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 50। शाबाश जी एंड एंगल एक्स वाई जी जी 70 होगा काहे बिकॉज़ वो 140 जी शाबाश। तो आप कह रहे हैं कि सर ऐसा है कि देखो ये वाली कॉर्ड जो है अगर सेंटर पे 140 गिरा रही है तो सर्कोफ्रेंस में कितना कट गिराएगी, 70 उसका हाफ। शाबाश। उसके बाद बेटा जी जी बोलिए। इन ट्राइंगल एक्स वाई जी जी 50 प्लस 70 प्लस जी जेड जेड एक्स वाई शाबाश इज इक्वल टू 180। जी 120 यहाँ निकल गया तो यहाँ पर कितना बचा भव्या जी, 60। भाई तूने कुछ ऐड करना, तूने ऐसे किया, तूने किसी और तरह किया, पक्का मित्रों कोई डाउट?